विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और जो फेमस है श्री कनका दुर्गा टेम्पल के लिए। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है जयेश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ट्रैवलर ब्रोस। तो गाइज, आज हमारी ट्रैवल जर्नी होने वाली है विजयवाड़ा टू बैंगलोर इन SVKDT ट्रैवल्स, राइट, जिसका फुल फॉर्म है श्री वेंकटे कनका दुर्गा ट्रैवल्स। और बहुत शानदार बसेस ये कंपनी ओन करती है। गाइज, अभी मैं खड़ा हूँ SVKDT का ऑफिस में और जो कि सिचुएटेड है पुलिस कंट्रोल रूम सर्कल पे। रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा सा बोर्ड दिखेगा SVKDT ट्रैवल्स का और वहीं नीचे में आप देख सकते हैं कि इसका ऑफिस है। गाइज, अभी रात के 8 बज रहे हैं और हमारी जो बस है वो 8:20 को है। मेरे को बताया गया है कि यहाँ से पिकअप वैन आएगी 8:20 को, हम लोग को रिसीव करना है और वो ले जाएगी मेन बस तक। ठीक है, बस जो होने वाली है वो वॉल्वो B11R फुल्ली स्लीपर बस होने वाली है और सेलेस्टे बस है। तो चलिए देखते हैं, एक और ट्रैवल जर्नी का मज़ा लेते हैं और बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग आज होने वाला है क्योंकि बहुत शानदार बस है और लिवरी भी बहुत कमाल की है। मैं आपको दिखाऊंगी ऐसी लिवरी आपने शायद ही कभी देखी होगी। बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग होने वाला है तो आप फुल स्क्रीन कर लीजिए और बहुत मज़ा आएगा। हर एक डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप मेक श्योर कीजिए कि मेरा वीडियो आप एंड तक देखें। और फेयर के बारे में मैं बताऊं तो लगभग 2300 मैंने पे किए हैं विजयवाड़ा से बैंगलोर तक का। गाइस देख सकते हैं वो है पुलिस कंट्रोल रूम सर्कल, राइट, और इधर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा SVKDT का ऑफिस, राइट, नीचे में ऑफिस है। और ये जो बस की जो सामने में यहाँ पे फोटो लगाई गई है ये है स्कैनिया बस, राइट, और आज हमारी ट्रैवल होने वाली है इसमें, नहीं वॉल्वो में ट्रैवल होने वाली है। 8:20 हो गई और देखिए ये हमारी पिकअप वैन आ गई है, ये हमको मेन बस तक ले जाएगी। टाइम हो गया है 8:40 और हम पहुंच चुके हैं बेन सर्कल के पास जहां पे हम लोग की बस इंतजार कर रही है। और क्या शानदार बस है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप SVKDT का वॉल्वो B11R और ब्लू कलर में, क्या शानदार लग रहा है, बहुत शानदार बस है। तो चलिए अंदर इंटीरियर्स देखते हैं। थैंक यू अन्ना। तो गाइज, वाटर बॉटल के साथ ये एक स्नैक्स का बॉक्स मिला है, चलिए देखते हैं इसमें क्या। इंटीरियर देख लीजिए और अंदर भी देख सकते हैं ब्लू कलर के यहाँ पे कर्टन्स लगाए गए हैं, राइट, और सामने एक टीवी मिलेगा आपको। ब्लैंकेट देखिए धुल के आया एकदम प्रॉपर प्लास्टिक में। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बॉटल रखने का जगह, राइट, टीवी मैंने दिखाया, दो तरफ आपको एसी के वेंट्स मिल जाएंगे, रीडिंग लाइट्स भी है, राइट, लेकिन शायद ऑन नहीं होता होगा। चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, मोबाइल होल्डर, तकिए भी मिलेंगे, बहुत शानदार तकिया, राइट, और पीछे में आप देख सकते हैं बैक रेस्ट भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स देख सकते हैं, नॉर्मल इंडियन चार्जिंग पोर्ट्स है तो वो बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं शानदार इंटीरियर्स बस का, राइट, और बहुत ही प्रीमियम बस है। और टीवी देखते हैं चलाता है कि नहीं चलाता, आई डोंट थिंक टीवी चलाएगा या क्या। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं बेन सर्कल से 8:40 में। तो गाइज़ अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कृष्णा रिवर और बहुत ही शानदार पुल बनाया गया है कृष्णा रिवर पे, आप देख सकते हैं। चलिए अनबॉक्स करते हैं अपना स्नैक्स बॉक्स और बहुत शानदार पैकेजिंग था यार इसका, सोलो टेप उखाड़ना पड़ा। और अंदर में देखिए क्या क्या मिला,
तो ये मूंग दाल का नमकीन मिला, एक यूनिबिस का ये कुकीज़, फिर वाह पंजाबी तड़का और एक रियल का जूस। एकदम प्रीमियम सर्विस है जैसे आप देख सकते हैं, राइट? तो इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। तो जितना भी पैसा दिया हूँ सब वसूल है और बहुत शानदार बस है और अंदर में एकदम नॉइज़ कैंसिलेशन गजब का है और इंजन का तो उतना आवाज़ नहीं आ रहा। तो गाइज टाइम हो रहा है 9:15 और हम लोग पहुँच चुके हैं गुंतूर। तो गाइस गुंतूर से भी कुछ लोग चढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा शहर है ये भी। तो गाइस ये एरिया है पद्माजा पेट्रोल बंक काकनी रोड और यहीं पे आप आ सकते हो अगर आपको गुंतूर से बोर्ड करना है बस। तो गाइस 9:30 को निकल चुके हैं हम लोग गुंतूर से। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 10:20 और हम लोग अभी रुक चुके हैं चिला कलूरी पेट में और यहाँ पे हम लोग डिनर ब्रेक लिए हैं। लगभग आधे घंटे का डिनर ब्रेक है और देखिए पीछे में हम लोग कौन सी बस लगी हुई है, राइट? ये है SVKDT की स्कैनिया बस जो हाल ही में लॉन्च हुई है, राइट? और नई नई एकदम है और क्या लिवरी इसका आप देख सकते हैं, बहुत शानदार लिवरी है। तो ये देखिए स्कैनिया मल्टी एक्सल स्लीपर बस और वही SVKDT से है और ये जाती है इलुरू से बेंगलोर, राइट? और ये भी बस आप बोर्ड कर सकते हैं, बहुत शानदार बस है, नई नई एकदम। तो गाइज ये है कुछ रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग रुके हैं, नाम है इसका श्री साई अरविंद फूड कोर्ट, काफ़ी डिसेंट है। चलिए यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू, काफ़ी रीजनेबल रेट्स हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे मंगाया है वेज फ्राइड राइस और साथ में रायता भी है, तो ये मेरे को पड़ा है 120 रुपीज़ का और खाने में बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे आइए तो वेज फ्राइड राइस ट्राई कर सकते हैं, बहुत शानदार बनाया हुआ है। सामने बस हम लोग की बस रुकी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे, और वो जो स्कैनिया वाली बस थी वो आधा घंटा पहले चलती है तो वो निकल चुकी है बैंगलोर की तरफ। ऑरेंज की एक बस यहाँ पे खड़ी हुई है। तो गाइस खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था और क्या लाजवाब खाना इन्होंने खिलाया, पहली बार मैं ऐसा खाना लगभग मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश में। और पीछे हमारी बस खड़ी हुई है, कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आप लिवरी देख सकते हो, क्या लाजवाब लिवरी है, राइट? अभी सुबह होने दीजिए, सुबह मैं आपको दिखाऊंगा तब जो चमकेगी बस वो मैं आपको बता नहीं सकता। गाइस ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं और हम लोग कुछ ही देर में निकलने के लिए तैयार हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 10:50 और हम लोग निकल चुके हैं अपना डिनर स्टॉप से।
तो गाइस सुबह के 4:30 बज रहे हैं, हम लोग तिरुपति में हैं और हम लोग यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। देख सकते हैं चाय वाय का पूरा व्यवस्था है। पीछे में हमारी बस, अभी तक सवेरा नहीं हुआ है, शायद नॉर्दर्न ट्रेवल्स की ग्लाइडर्स। गाइस टाइम हो रहा है 8:20 और हम लोग घुस चुके हैं बैंगलोर। थैंक यू अन्ना। तो गाइस सुबह के 9:15 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच गए बैंगलोर में अपना डेस्टिनेशन बेलंदूर में। मैंने बस को डिबोर्ड किया और लगभग ये 700 किलोमीटर्स का जर्नी हम लोग ने कवर किया है 13 आवर्स में और सफ़र बहुत बढ़िया रहा। आप इस बस को एकदम प्रेफर कर सकते हो, बहुत ही हाई रेटेड बस है और फर्स्ट क्लास सर्विस है इसका, जैसे मैंने आपको दिखाया। और इसके लिए मैंने पे किया है लगभग 2300 रुपीज़। प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो आप इस बस को ज़रूर बुक कीजिए और आनंद उठाइए, बहुत ही शानदार सर्विस है। राइट, एक और बस मैंने आपको बताया जो इलूरू से स्टार्ट होती है और वाया विजयवाड़ा ही आती है। राइट, उसका 7:30 को टाइम है, आप अगर रेड बस पे जाइएगा तो उसका स्कैनिया लिखा आएगा। राइट, ये था वॉल्वो, वो था स्कैनिया, तो उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी बहुत शानदार बस है। तो गाइस ब्लॉग अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लेते आ रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी या टेक केयर, बाय बाय।